नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि सब्सिडी। कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब सभी लोग जानते हैं कि सब्सिडी का मतलब होता है छूट, किसी चीज़ में छूट देना। चूँकि कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो कृषि से संबंधित वस्तुएँ होंगी या उत्पादन होगा, उस पर जो छूट देगी किसी भी देश की सरकार, वो हमारे सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब ये सब्सिडी देती क्यों है सरकारें किसी देश की, वही चीज़ हमको देखना है और उसी आधार पर हम तय करेंगे कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि सब्सिडी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडी क्यों कहा जा रहा है, कि WTO क्या परिभाषित करता है इन सब्सिडीज़ को, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पर्टिकुलर किस प्रकार की सब्सिडी किस चीज़ से जुड़ी हुई है या उस प्रकार की सब्सिडी का मतलब क्या है, क्यों दी जाती है उस प्रकार की सब्सिडी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी अर्थात छूट, हम लोग सामान्य भाषा में कहेंगे छूट यानी सब्सिडी को WTO द्वारा सकल सहायता व्यवस्था कहा जाता। अब देखिए, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हर एक शब्दावली को बहुत ध्यान से देखेंगे और कुछ विशेष शब्दावलियाँ होती हैं जो परीक्षा में प्रश्न वहीं से जोड़ के पूछा जाता है। जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी यानी छूट को WTO द्वारा सकल सहायता व्यवस्था कहा जाता है, यानी सकल सहायता व्यवस्था, तो ये आपके दिमाग के अंदर पूरा का पूरा शब्द होना चाहिए, सकल सहायता व्यवस्था कहा गया है। अगर ये बात कहीं लिखी, ये शब्द कहीं लिख के आ गया पूरा का कि सकल सहायता व्यवस्था क्या है, तो आप कहेंगे किसी क्षेत्र में दी जाने वाली छूट यानी दी जाने वाली सब्सिडी है वो क्या कहला रही है, सकल सहायता व्यवस्था। या कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली छूट या सब्सिडी WTO द्वारा सकल सहायता व्यवस्था कहलाती है, ये दोनों चीज़ें दिमाग के अंदर होने चाहिए। अब आते हैं WTO किसी देश द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूटें, अब दी जाने वाली छूटें यानी सब्सिडी, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP। देखिए MSP आप लोग जब प्रॉफिट लॉस मैथ वगैरह में पढ़ते होंगे तो इसको सेलिंग प्राइस पढ़ लेते होंगे MSP, लेकिन यहाँ MSP जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब भी समझाएंगे। और आगत छूटे कुछ हैं जैसे ऋण देना कृषि क्षेत्र में, उर्वरक के ऊपर सब्सिडी देना, सिंचाई के ऊपर मतलब पानी पर जल पर बिजली पर सब्सिडी देना, पंजाब वगैरह में बिजली के ऊपर काफ़ी सब्सिडीज हैं, ठीक है। तो ऋण पर ऋण देना, और ये भी क्या आगे छूटे, मतलब जब फसल का उत्पादन नहीं हुआ होता उससे पहले जो छूटें दी जाती हैं उत्पादन को प्रभावित करने के लिए, तो उसे आगत छूटे कहेंगे। यहाँ पर ये परिभाषा WTO द्वारा है। तो कौन कौन सी हैं कृषि क्षेत्र में दी जाने छूटे, न्यूनतम समर्थन मूल्य या आगत छूटे हैं, ये कृषि क्षेत्र में किसी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाती हैं। फिर देखते हैं WTO की शब्दावली में कृषि छूटों WTO की शब्दावली, मतलब WTO क्या कह रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, इन छूटों का एक ही प्रकार की कोई छूट है या छूटों को भी कैटेगराइज किया गया है और उन छूट को देने के पीछे पर्पस क्या है। तो कृषि छूटों को निम्नलिखित पेटियों प्रकार कह लीजिए के रूप में संबोधित किया गया है। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि इसमें से कौन सी छूट WTO द्वारा निर्धारित नहीं है या WTO द्वारा बताई नहीं गई हैं, तो ये देखेंगे
आपके सामने तीन सब्सिडी दिख रही होगी, एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी, तीन प्रकार की सब्सिडी। तो यही याद रखिएगा, ये बस इतनी सब्सिडी जो WTO द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जाती है वो बताई गई है। तो कौन सी हैं? ग्रीन, अंबर और ब्लू, यानी ग्रीन और ब्लू दो कलर और एक अंबर के नाम से सब्सिडी है। अब हम लोग देख लें कि इसका क्या पर्पज़ है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में यह व्यापार, देख लें, यह व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती, मतलब कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसी सब्सिडी है, सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन व्यापार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या अब व्यापार का हम मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझना है कि व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती ये सब्सिडी, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब किसानों को कृषि में छूट दी जाती है तो किसानों को लाभ देने के पर्पज़ से किया जाता है। लाभ कैसे होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो फसलों का, और जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा मतलब कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा तो चूँकि घरेलू जनता किसी देश की, भाई उसकी भी अपनी लिमिट है उसको उपयोग करने की, उसकी कीमत होगी कुछ, अगर ज़्यादा हो जाएगी सरकार क्या करेगी, निर्यात करना शुरू की, ज़्यादा उत्पादन हो गया, एक्सेस हो गया है तो निर्यात करना शुरू करेगी, ठीक है ना। जब निर्यात करना शुरू करती है तो व्यापार पर फर्क पड़ता है। तो हम जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है ये काफ़ी नियंत्रित है, इस छूट से बहुत ज़्यादा व्यापार पे फर्क नहीं पड़ता है, या व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। ध्यान दें, मतलब विकृति क्या, बहुत ज़्यादा निर्यात होगा तो किसी एक देश को फ़ायदा होगा, किसी एक देश को फ़ायदा नहीं होगा। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरे विश्व के लिए, तो विश्व के देशों को उनको देखना होता है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी हमेशा किसी संगठन, इंटरनेशनल संगठन द्वारा या देश के अंदर कोई अगर संगठन है बनाया जाता है तो वो उस तरह से कार्य करती है, ठीक है। फिर देखें, इसमें सरकारी छूटें शामिल हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, इससे व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे अच्छा ही होगा। शोध एवं अनुसंधान कृषि पुनर्संरचना, हमेशा शोध की मांग होती रहती है। खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण व्यवस्था, भाई खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, कभी मान लीजिए खाद्य सुरक्षा किसी देश में अगर इस तरह की छूटें सरकार दे रही है तो खाद्य सुरक्षा के पर्पज़ से दे रही, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है व्यापार को, खाद्य सुरक्षा मतलब घर खाद्य का भंडारण कर रहे, कभी ऐसा वैश्विक संकट आ गया या किसी देश के अंदर ऐसा संकट आ गया जैसे वर्तमान में श्रीलंका में आया, भुखमरी की समस्या है, तो सरकार उस भंडारण को खोल सकती है जिससे जनता को भुखमरी से बचाया जा सके, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, व्यापार पर किसी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। कीट एवं रोग नियंत्रण इत्यादि, मतलब कि फसलों, भाई देखिए फसल किसान उगाता है तो वो चाहता है कि उसकी फसल उगे और अच्छी फसल की पैदावार हो, उसमें किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार के कीट ना लगे, तो इस पर कोई सब्सिडी दे रही है कि हाँ आप पर्टिकुलर पेस्टिसाइड या पर्टिकुलर बीज ले जाइए जो रोग रोधी हो, जिसमें रोग आसानी से ना लगता हो, तो अगर इस प्रकार की सब्सिडी मिल रही है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, व्यापार पे किसी प्रकार का वो नहीं करती है, ये किसानों के हित के लिए, किसान क्यों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, ये तो सीधी बात है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि अगर क्वेश्चन आ गए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, तो इसमें कहते हैं व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकारें इसमें आसानी से छूटें वगैरह देती रहती है, इससे बहुत ज़्यादा सरकार परेशान नहीं होती है कि हाँ हमको छूट के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, उसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ विशेष उसके पास है कि किस पे छूट देनी है, उसी पर छूट देती है और एक्सटर्नल कोई और विषय पर नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, अंबर बॉक्स सब्सिडी में ये कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है, यानी कि ये सब्सिडी जब दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है। देखिए पैदावार होना, नियंत्रित तरीके से पैदावार होना वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होना वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि जब उसका व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार में किसी प्रकार की विसंगति आ सकती है,
या उसमें किसी प्रकार की विकृतियाँ थी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। ठीक है, इसमें दी जाने वाली वो छूटें शामिल हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ना सरकारें, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छूट ही तो होता है कि हम पर्टिकुलर फसल सरकार द्वारा इतनी कीमतों पर तय, जो तय कीमतें तय कर दी जाएंगी उसी कीमत पर खरीद लेगी सरकार, इससे किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, पहले से कीमत तय है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये क्वेश्चन आ गया कि न्यूनतम समर्थन मूल किस प्रकार की सब्सिडी के अंदर है, तो आप कहेंगे अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर है। दूसरा है बिजली से बिजली पर सब्सिडी, सिंचाई पर भी सब्सिडी, उर्वरक पर सब्सिडी, कीटनाशक पर सब्सिडी। तो अगर परीक्षण पर देखिए, मैंने इस तरह किसी प्रकार की सब्सिडी की बात ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में नहीं की है। तो अगर बिजली पर सब्सिडी देती है सरकार, सिंचाई पर सब्सिडी दे रही है, उर्वरक पर सब्सिडी दे रही है, कीटनाशक पर सब्सिडी दे रही है, तो समझ लीजिए कि वो अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर शामिल है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें आपको ध्यान देना न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति या विसंगति को कम ही लाने की शर्तों पर प्रदान कहता है कि जो विसंगति या विकृति आ गई है उसको सुधारने के लिए उन शर्तों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप ये छूट ब्लू बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, इन छूटों का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना होता है कि कृषि और ग्रामीण का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना। तो सब्सिडी का कुल मिला के पूरे सब्सिडी में एक ही मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों या कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसमें जो पॉइंट लिए गए हैं, जिस प्रकार की सब्सिडी की बात की गई है, वो आपको दिमाग में ध्यान देना है। जब ग्रीन बॉक्स देंगे देखेंगे सब्सिडी तो किस प्रकार की देंगे, अंबर बॉक्स देखेंगे तो किस प्रकार की देंगे देखेंगे, ब्लू बॉक्स देखेंगे तो किस प्रकार के देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।